तो गाइस माँ माया मंदिर में माँ अंबिका स्वयं विराजमान है। तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ हम लोग तो अंदर से नहीं जा करके नहीं देखे, नहीं देख पाए आज, और यहाँ नहीं कर पाए अंदर से। माँ अंबिका का यहाँ धड़ है, जो सिर है वो। हे गाइस, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग्स। तो गाइस, हम लोग आज सुबह सुबह जल्दी उठे हैं, देख सकते हो आप लोग, जल्दी नहा धो लिया आज, क्योंकि आज जा रहे हैं मंदिर। हम लोग जब से आए हैं अंबिकापुर में, तब से एक दिन भी मंदिर नहीं गए हैं, और सुबह सुबह जल्दी उठे थे आज, मतलब 6 बजे उठ गई थी मैं, लेकिन थोड़ा सा और भी तबीयत खराब हो गया था आज, तो थोड़ा फिर ये बोले रेस्ट करो, तो फिर 8 बजे उठे थे, तो फिर उठी, फिर नहाए धोई, और ये भी जल्दी से नहा लिए। अभी 9 बज रहा है ना? हाँ, 9 बज रहा है। हाँ, तो अभी 9 बज रहा है, और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं ना, जाते हैं थोड़ी देर में, नहीं निकले हैं, अभी निकलेंगे। और आज मंगलवार है, आज ट्यूजडे है, तो आज का वीडियो आज ही आएगा, मतलब भले शाम हो जाएगा, लेकिन आज ही आएगा आज का वीडियो, ठीक। तो भी न्यू रहना और स्किप नहीं करना, आज आप लोग खुद माँ देवी का दर्शन कराएंगे। हाँ, तो हम लोग जाते हैं जल्दी से, तो अब डायरेक्ट वहीं जाके मिलते हैं गाइस, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो रहा है, 9 बज गया है, तो जल्दी से जाते हैं अब। तो यहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए माँ माया मंदिर। तो आज ट्यूजडे है, तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, तो अभी अंदर जाने से पहले नारियल उरियल ले लेते हैं, है ना? आज ट्यूजडे को ही पूजा होता होगा शायद यहाँ पे, तो चलो चलते हैं, नारियल ले लेते हैं फिर। तो गाइस, आप लोग जैसे ही इधर आओगे, मतलब यहाँ माँ माया मंदिर के पास, तो इधर आप लोग देख सकते हो दुकान वकान मिल जाएगा, नारियल उरियल बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को, तो यहीं से ही मिल जाएगा। अभी इधर देख सकते हो, इधर दुकान कराओ माँ देवी के दर्शन करने के लिए, आप लोग भी दर्शन कराएंगे हमारे हम लोग के साथ साथ। तो चलो चलते हैं, हम नारियल उरियल ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस, हम लोग तो नारियल उरियल लेने आ गए हैं, बाकी देखते हैं क्या क्या ले जाते हैं यहाँ से। तो ये ले लिए सामान वान, तो चलो चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मंदिर खुलने का समय और बंद होने का समय यहाँ पे है, बाकी आप लोग पढ़ के आ सकते हो। बाकी यहाँ से हम लोग इंटर कर रहे हैं, इंटर करते हैं, तो चलते हैं। तो गाइस, हम लोग ये मंदिर के अंदर तो एंटर कर लिए हैं, तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा मंदिर का वो बैकग्राउंड साइड है ना सर, और ये बहुत बड़ा जगह है यहाँ पे, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कितना आगे, तो बहुत भीड़ लग रहा है, तो चलो आज चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जूता चप्पल उतार के जाना है, तो वहाँ पे लिखा भी है क्या जूता चप्पल कृपया उतार के जाए, तो हम लोग उतार लेते हैं। चलो गाइस, हम लोग सामने से तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि सामने से मना है, शायद बोर्ड में वहाँ पे लिखा भी है कि मना है, तो साइड से जितना हो पा रहा है उतना दिखा रहे हैं, और जितना भी हो पाएगा उतना दर्शन आप लोग को करा रहे हैं, तो दिखा दो अच्छे से थोड़ा सा। पूजा तो कंप्लीट हो गया और कर भी रहे हैं, मैं तो अंदर दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ही भीड़ है, लेट हो गया था हम लोग का आने में ना, इसलिए पिछले बार से हम लोग सुबह जल्दी आ जाएंगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ा लंबा लाइन है, तो ये बोले कि बाहर से ही कर लो, तो बाहर से ही की, मैं अंदर तो नहीं जा पाई, तो आप लोग को सामने से भी तो नहीं दिखा सकते, तो साइड से दिखा देते हैं, जितना हो पा रहा उतना दर्शन आप लोग को भी करा रहे थे। आप लोग बस ब्लॉग पे बने रहना, और आप लोग अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक, तो बने रहिए आप लोग को। तो गाइस, मंदिर के जस्ट पीछे साइड इधर आओगे तो इधर नारियल उरियल फोड़वा लेना, इधर आओगे तो इधर फोड़वाने उड़वाने के लिए है, और उधर आप लोग देख सकते हो जो कि उधर सामने साइड जो कि पूजा कर सकते हैं, और उधर सामने से दिखाना अलाउ नहीं है, वीडियो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो क्या ही बताएं, बस ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, आगे और पीछे साइड का दिखा देते हैं आप लोग को, तो आप लोग बने रहें।
गाइस देख सकते हो जस्ट ममाया मंदिर के पीछे साइड तालाब भी है इधर। तो गाइस आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि यहाँ पे आके कितना अच्छा लग रहा है मेरे को ना, मतलब कि अंदर से एकदम अच्छा लग रहा है, मतलब कि मंदिर बस जाने का मन भी नहीं कर रहा मेरे को, तो यही बैठे रहूँ जैसे लग रहा है। और आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हर ट्यूसडे को आऊँगी, इस टाइप से लग रहा है, और आऊँगी मैं जब तक यहाँ अंबिकापुर में रहूँगी तब तक तो आऊँगी यार। तो चलो चलते हैं अब आगे देखते हैं। और ये वाला मन बहुत ही, आज हर ट्यूसडे है तो बहुत ही भीड़ है, बहुत ही क्राउड है। इस महामाया मंदिर में माँ अंबिका स्वयं विराजमान है। तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ हम लोग तो अंदर से नहीं जा करके नहीं देखे, नहीं देख पाए यार, और यहाँ नहीं कर पाए अंदर से। माँ अंबिका का यहाँ धड़ है, जो सिर है वो बिलासपुर के रतनपुर मंदिर में के कहीं में है। हाँ रतनपुर में है कहीं वहीं। जो ज़्यादा कुछ यहाँ नॉलेज तो नहीं है इस जानकारी, इस चीज़ का जानकारी हम लोग को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जितना अपने से कुछ जानकारी उस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, देखते हैं अब क्या अब जाएंगे हम लोग रूम। अब यहाँ तो हो गया हम लोग का पूजा वूजा, तो चलते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग मंदिर से निकले, फिर सीधा ये होटल में आ गए हैं। भूख लग रहा था तो रुके हैं, अभी यहाँ पे कुछ खा लेंगे, उसके बाद रूम जाएंगे तो मैं जाके खाना वाना बनाऊँगी। कभी भूख लग रहा है तो वहाँ पर हो गए हैं बोलने के लिए, उनको तो छोला भटूरा खाना था, लेकिन छोला भटूरा भी सुबह सुबह कहाँ मिल पाएगा, तो यहाँ चाप या समोसा खा लेते हैं पेट भरने के लिए बस थोड़ा सा। मैं लेकर के आ गया, आप दोनों को खाएंगे। ये देखो हम लोग का ये समोसा और ये दोनों है, दोनों है। तो ये समोसा और आलू चाप दोनों लेके आए हैं, खा लेते हैं। खा करके आप लोग से मिलते हैं फिर डायरेक्ट रूम में जाकर आप लोग से मिलेंगे, खा लेते हैं जल्दी से। तो होटल से तो खा पी के आ गए हम लोग। तो वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।